brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली, टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। राजदीप जी, ये मेरी रिसर्च टीम हो गई है नालायक। उन्होंने लिखा है राजदीप सरदेसाई का परिचय कि जो क्रिकेटर तो नहीं बन पाए पर खून में क्रिकेट है, क्रिकेट पर किताबें लिखी हैं जैसे डेमोक्रेसीज 11, द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी, दिलीप सरदेसाई रिनेसेंस मैन फ्रॉम गोवा। इसके अलावा नवाब पटौदी से लेकर तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ और विराट कोहली पर भी लगातार लिखा है, और मशहूर क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। ये लास्ट लाइन अच्छी है इंट्रोडक्शन की। देखिए, मैं निपो बेबी नहीं हूं। निपो बेबी क्या होता है जरा? ये आने आजकल ये कहते हैं ना नेपोटिज्म, कि अगर आपके पिताजी किसी फील्ड में हो तो आप भी उसी फील्ड में आपको एंट्री मिल जाती है। स्पोर्ट्स, खासकर की क्रिकेट, एक ऐसी जगह है, फिल्मों की तरह नहीं है, पॉलिटिक्स की तरह नहीं है। मेरे पिताजी क्रिकेट खेलते थे, 10-12 साल इंडिया के लिए खेले, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर डबल सेंचुरी आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूं। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर जब तू पिच पर जाएगा रन तुझे बनाने हैं, मैं आपके लिए रन नहीं बना सकता। तो क्रिकेट में हाँ सरनेम होता है, लेकिन एंड में आपको वहां जाकर क्रिकेट फील्ड पर कुछ करना पड़ता है। और बड़ी अच्छी कहानी है, मैं पाकिस्तान के सामने खेल रहा था फॉर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, 86 की बात है, बड़ी अच्छी टीम थी पाकिस्तान की, 87 इमरान खान की टीम थी, और मैं बैटिंग के लिए गया और 10 बॉल खेला होगा अब्दुल कादिर के, बड़ा अच्छा स्पिनर था, और एक रन या दो रन करके मैं आउट हो गया क्लीन बोल्ड। तो जैसे मैं जा रहा था बाहर तो सलीम मलिक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान थे, और वो मुझे कह रहे, यार तू इंडिया से आता है और तू स्पिन बॉलिंग भी नहीं खेलना जानता। अब तब मैं 21 साल का हुआ था, और मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर ली। मैं बॉम्बे स्कूल्स का कैप्टन था, इंडिया अंडर 19 के कैंप गया था, यूनिवर्सिटी हम लोग चैंपियन बने थे, मेरी वजह से नहीं, संजय मांजरेकर ने 6 सेंचुरी बनाया, उनके पिताजी क्रिकेटर थे। तो देखिए, क्रिकेट का जो लगाव है वो खून में है, लेकिन टैलेंट है ना भगवान देता है। माय फादर, टू फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज की तारीख में अभी तक ओनली गोवा बॉर्न क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया, यू हैड टोल्ड अस, और उनके गांव के दर्जी ने उनको क्रिकेट सिखाई थी। आप सोचिए, प्री टीवी, कोई केवल रेडियो को सुनते सुनते वो क्रिकेटर बने। 17 साल की उम्र में वो मुंबई आए और 21 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेले। वो हमेशा कहते थे आपके पास सब कुछ है, आपके पास, मैंने आपको बेस्ट कोचिंग दी है, बेस्ट बैट्स दिए हैं, इक्विपमेंट दिए, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों नहीं खेल सकता इंडिया के लिए? उन्होंने कहा मेरे पास टैलेंट था, तेरे पास टैलेंट नहीं है। जो राजदीप ने बात की, आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा, क्या होता है ना, फिल्म स्टार का बच्चा हो या पॉलिटिशियन का बच्चा हो या इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हो, आपको स्पून फीडिंग भी होती है, और आपके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप में काबिलियत नहीं है, वो खून में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। खेल में खून होता है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर में वो सचिन तेंदुलकर का खून नहीं होगा। वो बच्चा जिसके पिताजी का नाम हो सचिन तेंदुलकर, वो धूल मिट्टी में 21-22 साल उस बच्चे ने अपने लगाए हो जिंदगी के, तो फिर तो मेहनत तो कर रहा है। अभी भी योगराज सिंह के साथ नेट प्रैक्टिस में जी, तो भले वो रोहन गावस्कर हो, भले वो अर्जुन तेंदुलकर हो, कुछ भी हो सकता है, मेहनत आपकी होती है, लेकिन एक जगह जाकर आपको नुकसान होता है। जो एंट्री पॉइंट है वो बड़ी आसान होती है। अब राजदीप के पिताजी तो, इनके तो बहुत बड़े, दिलीप सरदेसाई जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, राजदीप को भी एडवांटेज मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा। जब ये बॉम्बे स्कूल से खेले होंगे, अंडर 15 खेले होंगे, तो लोग कहते होंगे ही इज दिलीप सरदेसाई सन, वो एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है ना, वही लोग आपके आके कहते हैं अच्छा ये दिलीप सरदेसाई का बेटा है, वो लोग फिर आपके फेलियर का इंतजार करते हैं। तो जो एंट्री पॉइंट पे आपको फायदा होता है, वो एक स्टेज पर जाकर आप दुनिया की आंखों में खटकने लगते हैं। या तो फिर आप संजय मांजरेकर हो जाए, आप फिर वो जाकर रन बनाए, वो 34 टेस्ट मैच खेले, शायद ही कुड हैव प्लेड मोर, वो हिंदुस्तान के कप्तान भी हो सकते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर आपका फेलियर जो है एक स्टेज के बाद वो आपके माथे पर चिपका दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो विक्रांत ने आपसे नहीं कही है, एक कि विक्रांत का जो बेटा है वो भी कुछ बिहार चैंपियन बना है हरियाणा से, तो मुझे लगता है बहुत कम हो गए। क्या नाम है? ईशान नाम है जी, और ईशान हाँ विक्रांत, और मेरे बेटे का नाम एक है विक्रांत,
के बेटा भी कुछ भी यार चैंपियन बना और विक्रांत खुद बना।